नक्सली इलाकों में हम उस जगह पहुंच गए हैं कि जहां पर कि जो उनका कोर एरिया बोला जाता है बीजापुर और सुकमा के बॉर्डर पर, उसमें सीआरपीएफ अंदर और अंदर होती जा रही है। हम पुवर्ती गांव पहुंच गए जो कि बटालियन वन जो नक्सलियों की एक पीएलजी बटालियन का जो कमांडर है हिडमा, उसका गाँव है। हिडमा की माँ का आधार कार्ड बन रहा है, उसका राशन कार्ड बन रहा है, वो फोर्स ऑलरेडी तैयारी कर रही है और देश को लेट डाउन नहीं करेगी, ये मैं एक विश्वास के साथ कह सकता हूँ। ये 86वां रेजिंग डे है सीआरपीएफ का, तो अपने में एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि 1939 से शुरू करके आज जहाँ सीआरपीएफ पहुँची है और जिस तरीके के सारी आंतरिक सुरक्षा के मामले में सीआरपीएफ का जो एक रोल उभर के आया है, तो ये वाकई में अपने में गर्व का एक विषय है कि देश को जब जब जहाँ जहाँ आंतरिक सुरक्षा के लिए, राज्यों की मदद के लिए, नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज पर ज़रूरत पड़ी है तो सीआरपीएफ वहाँ पहुँची है। आगे चलते हुए जैसे हमारे स्पेशलाइज्ड यूनिट्स बन गई हैं, आरएएफ है जो कि सांप्रदायिक दंगों और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस के लिए, कोबरा यूनिट है जो कि जंगल वॉरफेयर में नक्सलियों के लिए, फिर हमारी वैली में क्यूएटी है जो कि अर्बन टेररिज्म के लिए है, वीआईपी सिक्योरिटी यूनिट है, ये इन सब का आगे चलते बहुत काम बढ़ने वाला है। जैसे आप लोग सब देख ही रहे हैं कि मणिपुर एक संवेदनशील इलाका है, उसमें भी आने वाले समय में सीआरपीएफ की का रोल बढ़ेगा। तो नक्सली इलाकों में हम उस जगह पहुंच गए हैं कि जहां पर कि जो उनका कोर एरिया बोला जाता है बीजापुर और सुकमा के बॉर्डर पर, उसमें सीआरपीएफ अंदर और अंदर होती जा रही है। हमारी लेटेस्ट उपलब्धि रही सीआरपीएफ की एज अ फोर्स कि हम पुवर्ती गांव पहुंच गए जो कि बटालियन वन जो नक्सलियों की एक पीएलजी बटालियन का जो कमांडर है हिडमा, उसका गांव है। और जब फोर्स पहुंची तो उसका असर क्या हुआ, उसके साथ मेडिकल सुविधाएं पहुंच गई, तो हिडमा की माँ का आधार कार्ड बन रहा है, उसका राशन कार्ड बन रहा है, ये एक अपने में बहुत बड़ा स्टेटमेंट है स्टेट की तरफ से कि जो नक्सली हमेशा से कहते आ रहे थे कि ये इलाका एकदम निग्लेक्टेड है, यहाँ कोई आपको नहीं देखता, तो वहाँ सीआरपीएफ और स्टेट पुलिस के पहुँचने से बाकी सारी जो स्टेट के जो डेवलपमेंट मेजर्स होते हैं वो पूरे हो रहे हैं, वो वहाँ पहुँच रहे हैं, सुविधाएं पहुँच रही हैं, सड़क पहुँच रही है, बिजली पहुँच रही है, टेलीफोन टावर्स पहुँच रहे हैं, तो इनसे बहुत ज़्यादा फर्क होने जा रहा है। जैसा कि सरकार ने डिक्लेयर भी किया है कि गृह मंत्रालय का ही इनिशिएटिव है कि जहाँ जहाँ सीआरपीएफ के कैंप खुल रहे हैं उसके 5 किलोमीटर में जितने भी गांव हैं वो टोटली भारत सरकार की स्कीम से सैचुरेट कर दिया जाए। तो जब ये होगा तो इसका असर होना ही होना है, लोग नक्सलवाद से दूर जाएंगे ही जाएंगे।
अब कितना समय लगेगा ये कई चीज़ों पे डिपेंड करता है, और अगर हम नक्सलवाद के एरिया से बाहर निकले तो आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में, जम्मू एरिया में जैसी स्थिति उभर रही है उसमें सीआरपीएफ का रोल बिल्कुल बढ़ेगा, और फोर्स उसके लिए तैयार है। किसी भी तरीके से जो भी उसके लिए करना है वो फोर्स ऑलरेडी तैयारी कर रही है और देश को लेट डाउन नहीं करेगी, ये मैं एक विश्वास के साथ कह सकता हूँ। और जो भी प्रयास होंगे उसमें सीआरपीएफ को पाया जाएगा कि ये है साथ में, और जो हमारा राष्ट्र का उद्देश्य है उसको पूरा करने में पूरी सक्षम भी है। बहुत अच्छे अधिकारी हैं, बहुत अच्छे जवान हैं, ये मैं अपने जितना मैंने इस फोर्स को पिछले 7-8 महीने में देखा है मैं बिल्कुल विश्वास के साथ ये बात कह सकता हूँ। तो आने वाले दिन सीआरपीएफ के लिए चुनौतीपूर्ण होंगे लेकिन अच्छे भी होंगे और देश के लिए भी अच्छे होंगे।